सरका इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में ये बात कही गई है। विपक्ष के विरोध के बाद लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ये एक महज प्रक्रिया है और हर सत्र से पहले इसे जारी किया जाता है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। पिछले साल 3 अगस्त 2021 को भी संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। राज्यसभा सचिवालय ने एक बुलेटिन में कहा है कि संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। विपक्षी दलों के द्वारा इस कदम की आलोचना के बाद अधिकारियों ने सफाई दी कि सत्र के पहले इस तरह के बुलेटिन जारी किया जाना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकसभा सचिवालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि ये एक महज प्रक्रिया है और हर सत्र से पहले इसे जारी किया जाता है। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि ऐसे दिशा निर्देश हर सत्र से पहले जारी किए जाते हैं। पिछले साल 3 अगस्त 2021 को भी संसद परिसर में धरना प्रदर्शन नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी। इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अभी लोकसभा से कोई नया बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और इस तरह का बुलेटिन जारी करने की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। राज्यसभा सचिवालय ने भी कहा है कि इस तरह का बुलेटिन या परिपत्र संसद के प्रत्येक सत्र से पहले आमतौर पर जारी किया जाता है। राज्यसभा सचिवालय ने वर्ष 2013 में कांग्रेस नेत यूपीए सरकार के समय जारी ऐसे ही परिपत्र की प्रति साझा करते हुए कहा कि ऐसे परिपत्र कई वर्षों से जारी किए जा रहे हैं। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है, सदस्य संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं कर सकते। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।